गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आज हमारा यात्रा का चौथा दिन है। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज जो है वो बर्फबारी हो रही है यहाँ पर गुंजी में, भारी बर्फबारी हो रही है। वैसे आज हमारा प्रोग्राम था सुबह 4:30 बजे उठने का, उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्रेश होकर 6 बजे यहाँ से निकलने का, और 8 बजे हम पहुँचने वाले थे आदि कैलाश। लेकिन बर्फबारी इतनी भारी हो रही है यहाँ पर कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। और अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो देखो आप, ये KMVN का कैंप है यहाँ पर गुंजी में, और पूरी तरह से बर्फ़ से ढक रहा है। देखो धीरे धीरे अभी चालू हुई है बर्फ़बारी, लगभग 1 घंटा हो गया बर्फ़बारी चालू हुए। और ये देखो पहाड़ों का नज़ारा, पहाड़ों पर आपको स्नो दिखेगी, स्नोफॉल हो रही है। हेलो, आजा। हाँ तो बर्फबारी जा रही है, गरम गरम चाय पी रहा हूँ, काफ़ी ठंडा हो गया मौसम यहाँ पर। और ये हट है कैंप में जहाँ पर हम ठहरे, देखो आप, बहुत ठंडा है यहाँ पर। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बर्फ हो रही है, यात्रा कैंसिल हो चुकी है, आगे जाना मुश्किल है, मुश्किल है। ये जो बोल रहे हैं ये ड्राइवर है, ये धारचूला से गुंजी और आदि कैलाश की यात्रा यही करवाते हैं, गाड़ी यही चलाते हैं। तो इन्होंने ऐसा बताया कि अब बर्फ गिर गई है तो आगे जाना तो आप भूल जाओ, शायद हो सकता है हमारा हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू होगा क्योंकि सारे रास्ते जाम हो जाएंगे बर्फ से। तो ये नज़ारा देखो आप, यहाँ पर थोड़ा अभी क्लियर हो गया, देखो आप पहाड़ों पर आपको बर्फ दिखेगी, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो। तो पूरी बर्फबारी हो गई यहाँ पर, स्नोफॉल हो गई है। बाकी ये पूरा कैंप है KMVN का, और KMVN वाले भी काफी खुश है बर्फबारी देखकर। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। ये किचन है इनका, यहाँ पर बढ़िया एकदम गरम गरम खाना बनाते हैं ये लोग हमारे लिए, और काफी टेस्टी होता है, चूल्हे से बनता है। देखो अब एकदम नेचुरल प्रोसेस है ये। तो पूरा भीग गया हूँ मैं आप देखो, और पूरे हाथ जकड़ गए हैं, तो अभी फिर से गर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है और उसमें गर्म गर्म ब्रेकफास्ट करेंगे हम। और ब्रेकफास्ट में पोहा है और दलिया है, और बाकी गरम गरम चाय, गरम पानी बिल्कुल है। तो स्नोफॉल अभी भी जा रही है, देखो आप, कंटिन्यू चल रहा है, लगभग 4 घंटे हो गए स्नोफॉल होते हुए। और मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया बिल्कुल, यहाँ पर ज़्यादा शूट भी नहीं कर सकते क्योंकि हाथ जम जाते हैं मेरे। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ यहाँ का हाल। ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर किचन है ये KMVN का, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आग सेक रहे हैं, थोड़े गर्म हो रहे हैं। तो कुकर चढ़ाया हुआ है, इसमें हमारे लिए कुछ भोजन बन रहा है, क्या बन रहा है इसमें? इसमें बन रही है नवरत्न दाल बनेगी सबके लिए, गर्मा गर्म बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया वाली। अच्छा, बढ़िया, हमारे लिए भोजन तैयार हो रहा है यहाँ पर रसोई में, और दोनों काम हो रहा है, भोजन भी बन रहा है साथ साथ में हाथ भी सिकाई कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा ठंड से निजात मिल रही है यहाँ पर किचन में, अच्छा लग रहा है। बाकी बाहर का वेदर मैंने आपको दिखाया, एकदम ठंडा है, और स्नोफॉल जो है वो लगभग 4:30 घंटे से चालू है। ये नज़ारा, ये प्रकृति का नज़ारा हमेशा देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए। अरे आप लोग, तो आग जलाने की तैयारी हो रही है अभी यहाँ पर, हम बॉन फायर करेंगे। तो ये पूरा KMVN का परिसर है, यहाँ पर सारे मिलिट्री वाले भी रहते हैं। यहाँ पर 8 कुमाऊँ रेजिमेंट है, इसके अलावा ITBP और बाकी सारी फोर्सेस भी यहाँ पर है। और ये नज़ारा देखो आप पहाड़ों का, जो नज़ारा आ रहा है शानदार। आग सेक रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल, ठंडी बहुत ज़्यादा है लेकिन आग लगाई है, हमारे लिए व्यवस्था की है यहाँ पर होशियार जी ने, यहाँ के जो मैनेजर है KMVN के। होशियार जी थैंक यू, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय। तो ये बाहर का नज़ारा है, अभी फिलहाल बारिश हो रही है देखो आप, और ये ऊपर पहाड़ों पे आपको बादल दिखेंगे, बर्फ़ दिखेगी। तो अभी की ये स्थिति है 1 बजे की, लंच तैयार है, सबको बुला रहे हैं, चलते हैं अंदर। पापड़ है, और ये नवरत्न दाल, और ये आलू बैंगन की सब्जी, और रोटी। अच्छा, तो सब गरम गरम है, फटाफट खाते हैं।
इतनी ठंडी में भी खाना बनाते हो आप, इसके लिए थैंक यू। तो आगे जो आपको कच्चा रास्ता दिख रहा है वहाँ से ऊपर चलते हैं और वहाँ से फिर मैं आपको नीचे का ये एक व्यू दिखाऊंगा कैंप का। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, देखो आप ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये KMVN का कैंप है, ये सारा ये वाला इतना इतना। और उसके पास में यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था 8 कुमाऊँ रेजिमेंट है, उनका बेस है। तो ये पूरा आर्मी का एरिया है और इस तरफ भी आगे सारा आर्मी का एरिया और गांव है। वैसे हम आदि कैलाश के दर्शन अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम कैलाश में ही है, ये सारे कैलाश पर्वत में ही आते हैं, लेकिन जो मुख्य पर्वत है वो यहाँ से दूर है, जिसके लिए हमें आज जाना था लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो आगे नहीं बढ़ पाए। और ठंडी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है लगातार। ये जो पर्वत आपको दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर शिव जी के दर्शन होते हैं अभी, लेकिन थोड़ा बादल है, कोहरा है, तो शायद ही होंगे। मैं ट्राई करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इस जगह पर ये महादेव दिखते हैं, यहाँ पर बीच में आपको दिखेगा जटा वाले महादेव, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है और दूर भी काफ़ी है। तो ये आप देखो, ऐसा लगेगा जैसे महादेव का शीश है, उनके बाल, उनकी जटाएं, सब कुछ दिखता है, लेकिन थोड़ा फॉग की वजह से आपको अच्छे से देखने में थोड़ी तकलीफ़ होगी। तो आ गया हूँ कैंप पर, जल्दी से रूम में चलते हैं। अभी देखो कोई बाहर नहीं है, सब लोग अंदर आराम कर रहे हैं। शाम के 7 बज गए हैं और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया है। जो मैंने आपको नज़ारा दिखाया था, मौसम दिखाया था, एज इट इज़ मौसम अभी भी बारिश आ रही है। फिलहाल मैं सूप पी रहा हूँ गरम गरम, और यहाँ का सूप काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया सूप बनता है यहाँ पर। आग में हाथ डालो तो भी कुछ नहीं हो रहा है। पूरा दिन चला गया, पूरा दिन ऐसे बैठे बैठे निकल गया, और कल क्या होगा पता नहीं, और यहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये देखो, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को ना खोना, आज ये ना वापस आएगा। तो इसीलिए हम लोग मौज कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो खाना लग गया है, डिनर, पापड़ है, चावल है, ये क्या है, ये दाल, मिक्स दाल है। अच्छा, ये चने की सब्जी है। अच्छा, और वेरी गुड, यस सर। और ये रोटी है और गर्म पानी है, आराम से गुंज कैंप का आनंद लीजिएगा आप। थैंक यू, अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए। तो ये किचन है, अभी यहाँ पर खाना बन रहा है। वैसे मैंने खाना खा लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। धन्यवाद इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपको। ओके सर। रोटी बन रही है इधर चूल्हे के ऊपर। सुबह के इस वक्त 9 बज रहे हैं और आज भी मामला वैसा ही है जैसा कल था, कल से भी बदतर है आज। तो आज का जो मौसम है और ज़्यादा बिगड़ गया है। आज यात्रा का 5वां दिन है और मौसम जो है वो ठीक होने की बजाय और ख़राब होता जा रहा है। स्नोफॉल भी बढ़ गया है, कल जो स्नोफॉल हुआ था वो इतना मोटा नहीं था। कल रात को 2 बजे बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद से ये आज 9 बजे से अभी स्नोफॉल गिरनी शुरू हुई है। तो ये काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको लास्ट डे में बताया था तब स्नोफॉल सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ था और लगभग 11-12 बजे तक चला था। तो आज और लंबा चलने वाला है और स्नोफॉल भी मोटा है, हैवी स्नोफॉल हो रहा है। पूरे हाथ जाम हो गए, तो ज़्यादा देर शूट भी नहीं कर सकते, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ठंडा है यहाँ पर मौसम अभी। तो थोड़ा सा गर्म हो रहे, कोशिश कर रहे हैं गर्म रहने की। हमारे साथ में OCR जी है, जो कि यहाँ के मैनेजर है KMVN के। ओम नमः शिवाय। OCR जी, क्या है अभी आगे की स्थिति, क्या लगता है आपको आगे की स्थिति? सर कल तक कुछ बता पाएंगे। अच्छा, बताने की स्थिति में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो नीचे जा सकते हैं जहाँ से हम आए, ऊपर वापस नीचे जा सकते हैं? वापस उतरना वही है, लेकिन एक दिन का, दो दिन का इंतजार करना। अच्छा, वो भी आज नहीं जा सकते? आज नहीं जा सकते, एक दो दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, तो बीच में अटक गए, ना हम ऊपर जा सकते हैं ना हम नीचे जा सकते हैं, बस यहीं पर रहना है, बस खाली खाना 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 और खाना और सोना, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। ओम नमः शिवाय। मैंने डोम चेंज कर लिया है थोड़ा, ताकि मैं कुछ काम कर सकूं, क्योंकि कुछ काम ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कुछ एडिट वगैरह करते हैं वीडियो को, हालांकि मन बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी ठंडी है, हाथ जम जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं। तो एडिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये हट है, खाली है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आराम से अपना काम कर सकूँ। तो आज शाम तक यही काम करना है मुझे, कल की क्या स्थिति होती है वो मैं आपको बताऊँगा। वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे, हम लोग फंस गए हैं यहाँ पर, ना नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं।
ओम नमः शिवाय। सुबह के इस वक्त 8 बज रहे हैं और ये नज़ारा है गुंजी बेस का, गुंजी कैंप का। देखो आप, पूरा बर्फ ही बर्फ है, स्नोफॉल हैवी होने लग गया है धीरे धीरे, काफ़ी ज़्यादा स्नो गिर रही है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, ना हम ऊपर जा सकते हैं यहाँ से, ना हम नीचे जा सकते हैं, तो अभी हम बीच में फंसे हुए हैं। आज तीसरा दिन है हमें यहाँ फंसे हुए। लाओ भाई लाओ, गरम गरम चाय पिलाओ। हा हा हा, हाथ भी गर्म हो जाते हैं चाय से, ये अच्छा फ़ायदा है। इसके बाल देखो कैसे हो गए ठंड के, इनको वैसे ठंड नहीं लगती है, भूटिया प्रजाति के कुत्ते हैं ये। तो चाय पी लिया, अभी यहाँ नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ मैं थोड़ा आगे जाके आपको। देखो आप, क्या स्नो गिरी है, देखो ये, देखो आप, मेरे हाथ भी जम चुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन हाथ में ग्लव्स नहीं, अगर मैं ग्लव्स पहनूंगा तो मोबाइल भी टच नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे हाथों की जो हालत हो रही है बहुत ख़राब हो रही है। तो जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप, ये नज़ारा है, ये है बर्फ और बर्फ का नज़ारा। तो हमारे यात्रीगण यहाँ पर चाय की चुस्की ले रहे हैं गरम गरम, मजा आ रहा है। बहुत मजा आएगा सर, देखो कितने सब बड़े दिल के, सब फंसे हुए हैं लेकिन सबको मजा आ रहा है। तो एंजॉय कीजिए आप। हाय बम बोले, बम बोले। तो चलते हैं थोड़ा आगे, नज़ारा देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ऊपर पहाड़ पर पूरी स्नो हो चुकी है और कोहरा भी ज़्यादा हो गया है, और ये सारे इग्लू है कैंप के। तो ये केएमवीएन का जो हमारा बेस है उसके पीछे का नज़ारा देखो आप, कितना ज़्यादा बर्फ हो चुका है, देखो आप पूरा आगे तक बर्फ है। तो इतना भारी स्नोफॉल हो रहा है अभी यहाँ पर, तो अभी घबराहट होने लगी है क्योंकि यहाँ पर रास्ते सारे बंद हो गए हैं, हम फंस गए हैं और अब क्या पता क्या होगा। ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ तो सबकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, तो हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ लेकिन मेरे मुझे खुद को इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि आप पूछो मत, बोला भी नहीं जा रहा है, आवाज़ जो है ना गला भी भारी हो रहा है। ये सारा राशन पानी है, राशन भी कम होने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि नीचे से रास्ता बंद हो गया तो ऊपर राशन नहीं आ रहा है। लगभग 3 दिन से रास्ता बंद है जब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ पर आगे याक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ऊपर। गाड़ी के ऊपर का पूरा बर्फ हटाया तो हाथ ठंडे हो गए, बहुत सारा बर्फ है, इतना बर्फ मैंने आज तक नहीं देखा है। तो अभी आपको पूरा बाहर का नजारा दिखाने के लिए मैं बाहर निकला हूँ, देख लो क्या हालचाल है यहाँ पर, कितनी बर्फबारी हो रखी है, हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा इतना ठंडा है। ये रास्ता देखो, रोड कैसा हो चुका है, पूरा पानी और स्नो हो गया है यहाँ पर, और ये याक बिल्कुल पास में। ये हमारा बेस है, आर्मी बेस है, उसके पास में इस तरफ ये केएमवीएन है जहाँ पर हम ठहरे हैं। तो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ नज़ारा, देख लो आप कितना स्नो हो गया है और क्या हालत हो रही है, ऐसी ठंडी मेरे से सहन भी नहीं हो रही है, आदत भी नहीं है इतनी ठंडी की, माइनस डिग्री टेम्परेचर है। भारी स्नोफॉल है, भारी भारी, यहाँ तो और ही ज़्यादा स्नो है, ऊपर से नीचे से भी ज़्यादा स्नो है यहाँ तो। ओहो देखो आप, पूरा बर्फ है, इतना स्नोफॉल हो रहा है, और अगर यहाँ पर इतना स्नोफॉल है तो आदि कैलाश में तो पूरा बंद हो गया है, लगभग 6 से 7 फीट की स्नो हो गई है। अक्टूबर के स्टार्टिंग में इतना स्नो किसी ने नहीं सोचा होगा, यहाँ से पूरा नीचे का दिख रहा है, देखो आप सब कुछ स्नो ही स्नो, जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ। आजा आजा ओ शेरू, ये नज़ारा देखो आप, नज़ारे हम क्या देखें, इतने नज़ारे हैं, जहाँ देखो वहाँ नज़ारे ही नज़ारे हैं। तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा हूँ और पूरे जूते भीग गए हैं, हालत ख़राब हो रही है। यहाँ से एक बार आपको नज़ारा दिखाता हूँ, पूरा बर्फ ही बर्फ है, देखो आप पूरा बर्फ है।
महाराज जी मस्त हो गए हैं स्नोफॉल में। आओ कुत्ता भी खेलेगा हम धंधे के बगल में। ए कम कम आजा आजा। तो बर्फ ही बर्फ है देखो आप चारों तरफ बर्फ है। तो ये होम स्टे है गुंजी में। अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल आते हो तो आपको यहाँ पर स्टे के लिए मिल जाएगा। देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है आदि कैलाश पर्वत होम स्टे गुंजी मनीला। तो खाने पीने रहने की व्यवस्था हो जाती है। गांव वाले काफ़ी सारे होम स्टे इन्होंने ओपन किए हुए हैं तो होम स्टे मिल जाते हैं हमको यहाँ पर। तो ये भी एक होम स्टे है। तो एक रात का लगभग 1200 से 1500 रुपये चार्ज लेते हैं जिसमें रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट शामिल होता है। तो थोड़ा चलते हैं देखते हैं। ये गांव है वैसे गुंजी गांव और इस तरफ में नीचे हमारा कैंप है केएनवीएन का। बाकी स्नो देखो आप पत्थरों के ऊपर में। प्यारा सा डॉगी है। तो होम स्टे है यहाँ पर सामान वगैरह मिल जाता है हमें। बेस आ गया है नीचे इस तरफ ऊपर गए थे अभी नीचे आ गए। तो आ गए हैं घूम के फिर से और बर्फ बहुत ज्यादा हो गई है। देखो पूरा बर्फ ही बर्फ हो गया है। यात्रीगण अभी भी आग सेक रहे हैं। चलो 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 भाई पूरे जूते जो है वो गीले हो गए हैं। सेक लेते हैं। तो बर्फ देखो आप कितनी मोटी मोटी हो गई है। ये देखो आप ये इतना अंदर तक पैर जा रहा है। सब लोग अंदर है अभी लंच शुरू होने वाला है तो सबको बुला रहे हैं। बाकी आप बर्फ तो देखो आप ये देखो इसके ऊपर ये इतनी बर्फ है। चलते अंदर। तो लंच स्टार्ट हो गया। क्या बनाया आज? राजमा पापड़ है चावल है और ये सोयाबीन की बड़ी और राजमा। तो गरम गरम है फटाफट खाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खाना बहुत बढ़िया था आज। धन्यवाद। राजमा बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो ये यहाँ के कुक है जो खाना खिलाते हमें और ऐसी ठंडी में ऐसे मौसम में भी अच्छे से सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सबकी तरफ से। ओके जी। बर्फबारी कम नहीं हो रहा है कि कम हुआ है थोड़ा अभी? नहीं तो अभी तो और होगा शाम। और होगा? और होने वाला है। अरे बाप रे इतना ही सहन नहीं हो रहा है तो इससे ज्यादा होगा तो क्या हाल होगा? कुछ नहीं होता साहब। इसमें धनिया था? जी सर। दब गया सारा? सारा दब गया सर। अच्छा तो यहाँ पर इन्होंने धनिया उगाया था लेकिन सारा बर्फ के नीचे दब गया है तो खराब हो गया? बिल्कुल सर। अच्छा टमाटर उगाए थे पूरा बर्फ ही बर्फ है। लगभग 1.5 फीट 2 फीट तक बर्फ आ गया यहाँ पर बीच में। बाकी पीछे का नज़ारा आप देखो। इसके ऊपर मैं चल के जा रहा हूँ पैर धस रहा है इतना अंदर तक। ये देखो हाँ तो पीछे का नज़ारा है। तो ठंडे हो गए फटाफट चलते हैं। और अभी हम कहाँ जाएंगे? एक ही जगह है जाने के लिए और वो है आग सेकना। तो आग के पास में आग सेक रहा हूँ और बहुत ठंडा मौसम है आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर आके शांति मिलती है। आग के अंदर में हाथ रखा हूँ देखो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या देखो काला हो रहा है बस। खाली काला हो रहा है बाकी कुछ नहीं हो रहा है। सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं। अभी अभी मैं उठा हूँ और ये नज़ारा है रजाइयों के नीचे हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है। आज यात्रा का 7वां दिन है और तारीख है 10 अक्टूबर। जूते भीग गए हैं तो मैंने क्या किया देखो प्लास्टिक बांधा हुआ है पैरों में
क्योंकि बार बार सॉक्स गीले हो जा रहे हैं। ये जो मेरे जूते हैं ये पूरे गीले हैं, बिल्कुल गीले हैं ये, तो इसलिए मैं प्लास्टिक पहन के फिर बाद में जूते पहन रहा हूँ ताकि बार बार सॉक्स गीले ना हो, तो ऐसा जुगाड़ भी लगाना पड़ता है। तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ आपके साथ, कुछ ऐसा है बाहर का नज़ारा। बर्फबारी रुक गई है, स्नोफॉल नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम बिल्कुल ठंडा है। पहाड़ जो है वो एकदम साफ दिख रहे हैं अभी, जो कोहरा है वो कम हो गया है, तो आसपास के जो पहाड़ है वो एकदम साफ दिख रहे हैं। ये देखो आप, पीछे का पहाड़ जो है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये वाला चाय हो गया? चाय हो गया सर। चलो गरम गरम चाय पीते हैं। अभी भी पता नहीं क्या होगा, रेस्क्यू कब होगा। आज वैसे चौथा दिन है, तो कैसे समय निकल रहा है हम ही जान रहे हैं। हालत ख़राब हो रही है, इतनी तो ठंडी है, ना तो नहा सकते ना धो सकते ना कुछ कर सकते हैं। तो गरम गरम चाय पी लिया, बाकी नज़ारा देखो आप। थोड़ा वेदर अच्छा हो रहा है वैसे, पर पता नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, वेदर का कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल तो ठीक है। वैसे आज सारे लोग बाहर आ गए देखो आप, तो ये लोग जोश में है क्योंकि थोड़ा वेदर खुला है, मौसम ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, तो सारे लोग बाहर आए हैं और थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। बाकी तीन दिन तो जो हालत हुई थी हमारी, टेंट से खाने के लिए, खाने से फिर टेंट में और सो जाओ, यही काम था। तो देखते हैं बाकी का जो भी होगा, मैं आपको अपडेट दूंगा शाम तक क्या होता है। तो यहाँ पर बैठा हूँ रजाई ओढ़ के, इस वक्त लगभग 4 या 4:15 का टाइम हुआ है। मैंने आपको सुबह का नज़ारा दिखाया था और थोड़ा मौसम लगा था खुल जाएगा, लेकिन मौसम फिर से ख़राब हो गया और बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है। और बारिश तेज़ आ रही है तो जो स्नो था वो भी पिघल रहा है, तो ठंडक बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो अभी मैं आराम कर रहा हूँ, बिल्कुल ठंडा है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर तो सहन भी नहीं हो रहा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और बिल्कुल टाइम निकल ही नहीं रहा है। एक एक घंटा ऐसा लग रहा है 10 घंटे जैसा है, क्योंकि कोई साधन ही नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, लाइट भी नहीं है यहाँ पर, जनरेटर चलता है सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, मोबाइल नेटवर्क नहीं आते, इंटरनेट नहीं चलता है, और बाहर भी नहीं जा सकते, मौसम इतना ख़राब है। बाहर काफ़ी बारिश हो रही है ज़ोर की, तो ठंडी हवा चल रही है, तो बीमार पड़ने का खतरा है, तो इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। नीचे से ऐसा मैसेज मिला है कि हेलीकॉप्टर तो रेडी है, लेकिन मौसम अगर सही होगा तब वो वहाँ से उड़ान भरेगा हमें यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए। तो पता नहीं अब मौसम कब सही हो, सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे मौसम खुल जाएगा और आज अच्छा हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे, लेकिन 12 बजे के आसपास मौसम फिर से कल जैसा था वैसा हो गया, बारिश हो रही है और आज तो उल्टा तेज़ बारिश हो रही है, तो पता नहीं क्या होने वाला है, जो भी होगा वो देखेंगे। तो मुझे कोई बुलाना आया, उन्होंने बोला कि बाहर नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, तो देखते हैं क्या नज़ारा दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा खुल गया है सब, तो मैं बाहर आया हूँ और नज़ारा देखो आप, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो देखो आप, बिल्कुल साफ हो गया अभी मौसम, ये देखो आप कितना साफ दिख रहा है बिल्कुल। तो काफ़ी लोग बाहर आए हैं इस नज़ारे को देखने के लिए, तो मैं भी बाहर आया हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हो ये अन्नपूर्णा पीक है ये वाला, और ये नेपाल में पड़ता है। तो ये नज़ारा है अभी फ़िलहाल इस वक्त का जो मैंने आपको बताया, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है अभी। तो अगर ऐसे ही रहा तो कल तक मौसम खुल जाना चाहिए, लेकिन बता नहीं सकते, रात को कुछ भी हो सकता है, मौसम कभी भी पलट सकता है। यहाँ पर मैंने आपको शिव जी बताए थे, देखो अभी भी दिख रहे हैं ये वाले बीच में, ये जो है ना, ये देखो आप,